तो हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके चलते प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। प्रदेश के एक बार फिर से पार्टियां बीजेपी पर भरोसा जताने के लिए, माफ कीजिएगा, अन्य पार्टियां जो हैं वो बीजेपी में भरोसा जता रही हैं। इसी कड़ी में नरवाना से इनेलो के पूर्व जिला प्रधान भगवान दास के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इनेलो को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। में बीजेपी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है और इनेलो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी आप कांग्रेस और इनेलो के लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं नरवाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम बड़े नेता हरियाणा चुनाव के स्टार प्रचारक होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। हरियाणा कांग्रेस की कमान कुमारी शैलजा और हुड्डा को दिए जाने पर सुभाष बराला ने कहा कि इससे विधानसभा चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि ये दोनों खुद लोकसभा चुनाव से पहले हार चुके हैं और इनकी आपसी फूट ही कांग्रेस को खत्म करने पर तुली है। बीजेपी का तो और ज्यादा इसमें इनके अदल बदल से मजबूती हुई है, क्योंकि चाहे पहले के अध्यक्ष थे या पहले की जो सीएलपी की इनकी लीडर थी किरण चौधरी जी या अशोक तंवर, वो सब लोग भी चुनाव हार करके, क्योंकि किरण चौधरी इनकी सपुत्री वहाँ से, श्रुति चौधरी सांसद का चुनाव लड़ी थी भिवानी से, वो हारे, अशोक तंवर हारे और अब जिनको बनाया गया है ये भी चुनाव हार करके आई है। इसलिए किसी प्रकार से इनके आने से कांग्रेस पार्टी में कोई मजबूती नहीं, बल्कि और ज़्यादा इनकी गुटबाजी जो भारी जो हुई है कांग्रेस पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी अपना जो एक मिशन था पहले का 75 बार का, उस पर जैसे पहले लगी हुई थी, और ज्यादा मजबूती के साथ हम इस पर लगे हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल हरियाणा में सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति अपना रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति चुनाव में कितना फायदा पहुँचाती है। गुलशन चावला, टोटल न्यूज।